हेलो गाइस, व्हाट्स अप, इट्स मी योर बॉय सैम। वेलकम बैक टू माय चैनल सैम्स ऑन डिमांड। एज आई ऑलवेज सेज कि मैं खाने के लिए जीता और जीने के लिए खाता हूँ, तो आज मैं जीने के लिए यहाँ पे खाने आया हूँ, जिसका नाम है सेलेस्टियन होटल। जैसे कि आपको पता है, मैंने मेरे ब्लॉग की शुरुआत यहाँ से ही की थी, सेलेस्टियन होटल से। तो आज मैं यहाँ पे फिर से आया हूँ क्योंकि यहाँ पे एक लोग ने नया आइटम इंट्रोड्यूस किया है, किजी पराठा। तो वो हम लोग वो ट्राई करने वाले हैं, तो उसका टेस्ट कैसा रहेगा, उसका प्रिपरेशन कैसा है, ये मैं आपको अभी बताऊँगा। तो चलते और देखते हैं आज हमारे खाने में एक किजी पराठे का टेस्ट कैसा रहेगा, ये हम लोग आज चेक करेंगे। लेट्स गो। गाइस, जैसे कि आप देख सकते हो, अभी हमारा ये आ गया पराठा, किजी पराठा। इसका प्रेजेंटेशन देखो, ये मुझे क्या पता नहीं, जिधर केले का पत्ता आता है वहाँ पे मेरा दिल ज़्यादा खुश हो जाता है। मुझे बहुत एक्साइटमेंट रहता है कि वो मैं उसके केले के पत्ते पे खाना खाऊँ या फिर उसको कुछ ऐसे तरीके से ओपन करूँ। तो अभी ये किजी पराठा का मैं ओपन करूँगा। देख सकते हो इसको, कितना कुछ आर्टिफिशियल स्टाइल नहीं है, प्रॉपर अपना जो ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक तरीके से पकाते और ऑर्गेनिक तरीके से इसको कुक करने के लिए केले के पत्ते का यूज़ करते हैं। तो ये अभी हमारा ये खुल चुका है परोठा। हाँ 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 हाँ, काफ़ी ज़्यादा फ्रेग्रेंस आ रहा है इसका, स्मोकी लग रहा है। अच्छा, देख सकते हो अंदर, इसके अंदर पराठा है, अंडे का यूज़ है, चिकन का स्टफ है, हाफ फ्राई ऑमलेट है। मैं हाफ फ्राई खाता नहीं हूँ बट अभी इसके अंदर है, तो एक्सप्लोर करना है, कुछ अलग चीज़ खाना है तो ट्राई तो करना पड़ेगा। काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी है इसका, फ्लफी है, ठीक है और हेवी लग रहा है। आई होप ये टेस्ट में काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहे, क्योंकि मैं यहाँ पे ये स्पेशल डिमांड पे आया हूँ, इसलिए मेरा नाम सैम्स ऑन डिमांड है चैनल का। इसका टेस्ट करेंगे कैसा है। ये काफ़ी ज़्यादा गर्म है बट तो भी मैं इसे गर्म ही खाना चाहूँगा। तो ये अंडा है, ये पराठे को थोड़ा स्प्लिट करते हुए। काफ़ी ज़्यादा हॉट है ये पराठे का साथ। इसके अंदर पहले से जो चिकन का ग्रेवी रहता है, मैंगलोरियन चिकन का ग्रेवी, वो यूज़ किया है। कड़ी पत्ता है, स्पाइसेस यूज़ किए। देखते टेस्ट कैसा है। एक का काफ़ी ज़्यादा फ्रेग्रेंस है इसके अंदर ऑमलेट का। अगर आपने कभी रसम ऑमलेट खाया रहेगा, गोवा का जो डिश है, अंडे के अंदर चिकन का ग्रेवी रहता है, ये काइंड ऑफ वैसा लग रहा है बट इसका जो फ्लेवर है, ये टचअप, वो गोवा का टेस्ट का क्यूजिन का टेस्ट देता है। तो इसका एक मैंगलोरियन क्यूजिन का ये टेस्ट आ रहा है। दोनों का डिफरेंस है बट ये काफ़ी ज़्यादा मिलता है इससे, गोवा के रसम ऑमलेट से ये काफ़ी ज़्यादा मिलता जुलता है। तो टेस्ट में तो काफ़ी अच्छा है, और ये इसका टेक्सचर अगर देखा जाएगा तो फिर ये काफ़ी ज़्यादा ऐसा फ्लफी है, मॉइस्ट ज़्यादा है, क्योंकि इसके अंदर ऑमलेट का ज़्यादा यूज़ हुआ है। जैसे कि आपने देखा कि ऑमलेट अलग से भी बनाया है, इसके अंदर भी डाला है और हाफ फ्राई भी है। तो जिसको अंडा अगर अच्छा लग रहा है और चिकन का ग्रेवी बाय डिफ़ॉल्ट सबको अच्छा लगता है, तो उसके वजह से ये टेस्ट काफ़ी ज़्यादा, ऐसा बोलते ना, फ्लेवर को एनहांस कर रहा है। और ये ज़्यादा स्पाइसी भी नहीं है और एकदम माइल्ड भी नहीं है, तो उसके वजह से अच्छा लग रहा है। जो साउथ इंडियन में हम लोग बोलते हैं, करी पत्ता का ज़्यादा फ्लेवर रहता है, हर एक चीज़ में तड़का रहता है, तो वो तड़के का फ्लेवर इसके अंदर काफ़ी हद से ज़्यादा उठ के आ रहा है। तो वो टेस्ट में अल्टीमेट है, डिलीशियस है फूड। और क्या पता नहीं है, मुझे पराठा, जब भी पराठा का नाम आता है, ये लच्छा पराठा रहता है, ये जब भी मेरे सामने आता है
तो मैं लाइन ट्रस्ट कर लेता हूँ क्योंकि वो टेस्ट में उतना सही हो ही जाता है, और जो ग्रेवी रहता है अल्टीमेट रहता है, अल्टीमेट। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, तो आप भी अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ यहाँ पे आइए। ये मेरा सेकेंड टाइम है यहाँ पे और ये टेस्ट में काफ़ी अच्छा है। रेस्टोरेंट का अगर आप देखोगे तो इतना ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं है, बट यहाँ पे क्राउड फुल टाइम ये क्राउडेड रहता है और काफ़ी ज़्यादा अच्छा इन लोग का सेलिंग्स है। टेस्ट है अच्छा, इसलिए यहाँ पे लोग आते हैं। पॉकेट फ्री रेस्टोरेंट है, क्वांटिटी भी अच्छा खासा है, आपको यहाँ पे आना चाहिए, हाईली रिकमेंडेड है। और अगर आपको ये ऐसा कुछ स्पेशल आइटम बना के चाहिए तो वो लोग आपके लिए कस्टमाइज भी करके देते हैं। अगर क्राउड रहेगा तो नहीं करेंगे, बट अगर ज़्यादा क्राउड नहीं है तो ये सब आपको अच्छे अच्छे अलग अलग आइटम, साउथ इंडियन आइटम ये लोग आपको बना के दे देंगे। तो कुछ ऐसे ही टेस्टी और एक्साइटिंग प्लेसेस आपको पता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, और एल्स यू कैन डीएम मी ऑन माई इंस्टाग्राम पेज सैमसन डिमांड पे। तो मैं अभी मेरा मील इन्जॉय कर रहा हूँ, आई होप आप भी ये वीडियो इन्जॉय कर रहे हो। तो मेरे वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन। आपको आना चाहिए, ट्राई करना चाहिए। और यहाँ पे अलग अलग डिशेज, जैसे कि मैंने यहाँ पे पहले स्टार्टिंग में व्लॉग में मैंने यहाँ पे पुत्तू ट्राई किया था, और दो चार आइटम है जिसे इडियप्पम कहते हैं, और क्या है यहाँ पे अलग अलग है, रेड राइस भी रहता है यहाँ पे, लेमन राइस है, टोमेटो राइस है, बहुत ज़्यादा वैराइटीज़ है जो कि मैंगलोरियन क्यूजिन के डिशेज है। तो आप यहाँ पे आइए, कुछ अलग क्यूजिन ट्राई करिए। यूजुअली हम लोग मुंबई में ज़्यादा करके चाइनीज़ पाव भाजी और पनीर यही प्रीफर करते हैं, तो अगर कुछ अलग ट्राई करना है तो आपको डेफिनेटली यहाँ पे आना चाहिए और यहाँ का टेस्ट करना चाहिए कैसा है यहाँ का फूड। सो ओवरऑल माय एक्सपीरियंस हियर इज़ लाइक दिस, बिग अप, एंड माय फूड कोर्ट इज़ लाइक दिस, टेस्ट, वैल्यू फॉर मनी, एम्बियंस एंड सर्विस। सो मैंने आपको इसका रेटिंग दे दिया है टेस्ट में कैसा है, आई लव्ड इट, आई होप आपको भी अच्छा लगता रहेगा। तो आप ज़रूर यहाँ पे आइए, तो कुछ ऐसे ही नए टेस्टी और एक्साइटिंग वीडियोज़ मैं आपके लिए लेके आता रहूँगा। तो उसके लिए मेरे चैनल का सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो मिलते हैं कुछ ऐसे ही टेस्टी और एक्साइटिंग वीडियोस को लेके। टिल देन स्टे ट्यून, टेक केयर, कीप लविंग एंड शेयर दिस वीडियो एज मच एज पॉसिबल। तो अभी मैं मेरा मील इन्जॉय कर रहा हूँ, आप भी आके यहाँ पे इन्जॉय करिए। तब तक के लिए सी आओ, पीस आउट।